हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहिए। मैं अपने चैनल पर लाइफस्टाइल और मेकअप, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, तो जिसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल इज़ अ सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर फ्रेंडली। ये कोई भी इजीली कर सकता है। तो फर्स्टली मैंने अपने आईब्रो को फिल करना स्टार्ट कर दिया। मेरी फर्स्ट आईब्रो डन हो चुकी है, तो मैं दूसरी आईब्रो को फिल कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से ब्रश से अप्लाई करेंगे और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आईब्रो को, बिकॉज हमें अपने आईब्रो को एकदम नेचुरल सा शो करना है। तो इसके बाद मैंने अपनी आईज़ पर आई प्राइमर को अप्लाई कर लिया था। उसके तो हमारा आईज़ मेकअप में मैंने प्राइमर लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे एक कॉम्पैक्ट, जिससे हमारा आई बेस हो जाएगा सेट। तो मैंने अपने फेस पे लगाया मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने लिपस्टिक से, पिंक लिपस्टिक से डॉट बनानी स्टार्ट कर दिए अपने मेकअप में। तो ये कुछ न्यू है आप लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए। तो इसके बाद मैं अपने फेस पर लगाऊँगी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोर को भी सेम प्रोसीजर हम डॉट बनाकर लगाएँगे, जहाँ पर भी हमें कॉन्टोरिंग करनी है अपने चीक्स पर, चिन पर। तो इसके बाद मैं अपने फेस पर कंसीलर लगाऊंगी, वो भी इसी डॉट के हेल्प से लगाऊंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने फेस पर कोई भी प्राइमर नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी मेरा मेकअप इतना ग्लोई सा हो गया था। तो चलिए देखते हैं आप कैसे ब्लेंडिंग करेंगे। इसके बाद कॉन्टोरिंग डन करने के बाद हम लगाएंगे अपने फेस पर कंसीलर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंसीलर कहाँ पर अप्लाई होगा, किस तरीके से। ये डॉट्स लगाने के बाद आपका काम बहुत इजी हो जाता है ब्लेंड करने के लिए। तो मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लिया था। इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद मैं अपने फेस के सभी प्रोडक्ट्स को ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। तो आपको इसको सिर्फ टैप टैप करना है, जिससे आपका फेस का जो भी ये प्रोडक्ट है अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने इस मेकअप लुक से, बिकॉज इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स लगेंगे आपको रेडी होने के लिए। अगर आप लोगों को 5 मिनट्स पे रेडी होना है तो यू शुड ट्राई दिस मेकअप लुक। सो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी कॉम्पैक्ट। तो चलिए, हमारी ब्लेंडिंग होने वाली है डन। तो इसके बाद हम करेंगे अपने फेस का सारा बेस सेट। तो हमारा मेकअप हो चुका है डन। उसके बाद मैंने अपने फेस पे कॉम्पैक्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है इस पफ की हेल्प से। तो इसको अच्छे से आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, जो कि आपका बेस है, लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे आपका मेकअप पूरे दिन। इसको अप्लाई कर रही हूँ, जिसके आप लोग देख सकते हैं पाउडर को किस तरीके से अप्लाई करना है। फुल फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि समर्स है तो आपको अच्छे से अप्लाई करना है। इसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर का लिपस्टिक लिया, इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ। बिकॉज मेरा सारा मेकअप एकदम नेचुरल सा था, तो कुछ लिप टिंट थोड़ा डार्क चलना चाहिए। इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से फिल कर रही हूँ अपने लिप्स पर। तो चलिए, आप लोग मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया अपने बोन एरियाज़ पर। तो